फ्रेंड्स, रीनिष्का किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ड्रमस्टिक की ग्रेवी वाली सब्जी। चलो तो फिर बनाएंगे ड्रमस्टिक की ग्रेवी वाली सब्जी। इसके लिए मैंने लिया है प्याज की पेस्ट और ये अदरक लहसुन की पेस्ट, प्याज कटे हुए, बारीक मिर्च और ये गरम मसाला है, ये धनिया जीरा पाउडर। और मैंने ड्रमस्टिक देखिए उसके छिलके निकाल लिए हैं, जिससे हम आलू छीलते हैं अक्सर, उस छीलनी से मैंने पूरे छिलके निकाल लिए हैं और उसे छोटे भागों में काट कर पानी में डुबो के रख दिया है। अब मैंने एक पैन में लिया है एक टेबलस्पून तेल, बड़ा टेबलस्पून तेल लिया है मैंने। ये देखिए तेल गर्म होने के बाद अब हम डालेंगे जीरा, मौरी और बारीक कटे हुए प्याज, साथ में डाली है हरी मिर्च। और मैंने प्याज और ग्रेटेड कोकोनट को भून के उसका पेस्ट बनाया है ताकि ग्रेवी अच्छी थिक बने। दोनों भी अच्छी तरह तवे पे तेल डाल के फ्राई करके मैंने उसकी पेस्ट बनाई है। अब मैं डालूँगी हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये देखिए प्याज का और ग्रेटेड कोकोनट का पेस्ट डाल दिया है, अच्छी तरह लाल करके फिर मैंने मिक्सर के निकाल दिया है। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर अलग अलग मसाले डालने से वो पेस्ट ही अच्छा है। ये डाला है मैंने गरम मसाला पाउडर जो घर में बनाया है, सभी रॉ मसाले गरम करके मैंने मिक्सर से पीस के रख दिए हैं। और ये धनिया और जीरा का पाउडर, सब मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए मसाले अच्छी तरह पक गए हैं, बबल आने लगे हैं उसमें। यहाँ डालूंगी अब 2 टेबलस्पून नमक और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एकदम प्रमाण यही लेना आप, ताकि सब्जी बहुत अच्छी बने। और ड्रमस्टिक मैंने 1 पाव लिए हैं, सारे काट के छील के पानी में भिगो के रखे हैं ताकि जल्दी पक जाए। इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी होती है अपने हड्डियों के लिए। अब देखिए बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टमाटर डाल दिया मैंने और थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया से अच्छी ग्रेवी आती है, ऊपर तेल तेल दिखाई देने लगता है। अभी मैं टमाटर अच्छी तरह पका लूँगी। ये देखिए ग्रेवी अच्छी ऊपर आ गई है और थिक ग्रेवी बन रही है। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए हमारे ड्रमस्टिक, इसको मराठी में शेवग्याचा शेंगा कहते हैं या मूंगने की फल्ली भी कहते हैं हिंदी में। ये रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और आयरन होती है। बुढ़ापे में अक्सर हड्डियाँ वगैरह टूटने का डर रहता है या फिर दर्द होता है बहुत, तो ये सब्जी बहुत ही गुणकारी है। अब मैं ढक के अच्छी तरह एक भाप निकालूंगी। देखिए तेल ऊपर आने लगा है और ये स्टिक का भी कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, इसे बहुत पकाना पड़ता है। तो अभी मैं 1 ग्लास पानी डाल के उसे अच्छे से धीमी आंच पे 10 मिनट पका लूँगी। और ये सब्ज़ी चावल, रोटी, नान सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। आप अपने बच्चों को अवश्य दें ताकि उनकी हड्डियों का अच्छे से विकास हो सके। ये ग्रोथ होने वाले बच्चों के लिए, बुढ़ापे के लिए, जिनकी प्रेगनेंसी हुई है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। अब देखिए 10 मिनट बाद अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखेंगे हम। ये देखिए फिर थोड़े बाद और थिक होने लगती है। अगर आपको गरम मसाले डालने नहीं हैं तो या तो आप कॉर्न का पेस्ट बना के डाल दीजिए हल्का सा, या फिर चावल का पेस्ट।
तो देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए ड्रम स्टिक की करी सब्जी। बाय बाय।